जटिल जोखिम भरे कामों में सफलता मिलने के योग है। आपके सारे काम भी पूरे होंगे। संतान है तो आज आप उसी के साथ व्यस्त रहेंगे। दोस्तों और साथियों के साथ लंबी बातचीत हो सकती है। ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों के बहुत से काम आपकी ही वजह से होंगे। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे। पुराना काम निपटाने और नया काम शुरू करने लिए बहुत ही अच्छा दिन है। किस्मत और समय आपके पक्ष में हो सकते हैं। आज किसी काम में उलटफेर होने के कारण आपको फायदा भी हो सकता है। नेगेटिव आज आपको अपनी कोशिशों का फल तुरंत शायद ही मिल सके। ऑफिस में आप उत्तर रूप से चलने वाली गतिविधियों में सक्रिय हो सकते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है। सावधान रहे, क्या करें, नीला फूल अपने साथ रखें। लव लाइफ में विरोधी रुकावटें डाल सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बीतेगा। करियर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर शेयर सट्टे में पैसा न लगाएं। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट लेने से बचें। पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ नींद की कमी और थकान हो सकती है। आंखों में परेशानी हो सकती है। वृषभ चंद्रमा आज गोचर कुंडली के कर्म भाव में रहेगा। कर्म भाव में चंद्रमा होने के कारण आपको आज कार्य क्षेत्र में सुयोग और सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आपको किए गए कामों से धन लाभ होगा। चाहे आपकी इच्छा प्रमोशन की या कंपनी बदलने की हो, आज इन मामलों से संबंधित आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने की संभावना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी दावा करें उसके लिए खुद पर अच्छे से भरोसा रखें। जरूरी कागजात साथ रखने चाहिए। सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। आपका समय ज्यादा कीमती रहेगा। धन लाभ हो सकता है। आज आप दुश्मनों पर भारी रहेंगे। नौकरी में प्रगति होगी। दोस्त आपको कुछ सलाह देंगे। आज पैसों और परिवार को लेकर आपकी सोच सही रहेगी। संतान से सुख और आर्थिक सहयोग मिलेगा। विदेश में बसे लोगों को फायदा होगा। विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। नेगेटिव आज आप किसी के साथ फालतू समय भी खर्च कर सकते हैं। ऑफिस में भी मेहनत अधिक हो सकती है। आलस्य से हानि हो सकती है। किसी की भी बुराई करने से बचें। क्या करें, किसी भी भैरव मंदिर में थोड़े पैसे दान दें। लव पार्टनर के साथ आपको भावनात्मक जुड़ाव में भी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है। निजी संबंधों में गंभीर मतभेद होने के योग बन रहे हैं। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस में दुश्मनों पर जीत होगी। नया काम भी मिल सकता है। इंटरव्यू देने के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। हेल्थ आलस्य छोड़ दें, वरना बड़ा नुकसान भी होने के योग है। मिथुन पॉजिटिव, आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें आपको किस्मत का साथ भी मिल सकता है। आपके साथ सब ठीक ही होगा। नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं। कामकाज बढ़ सकता है। गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से आपके लिए दिन अच्छा है। जो लोग करियर आदि के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनसे आपका संपर्क बढ़ेगा। आपको नए मौके मिल सकते हैं और आने वाले समय में आप प्रगति करने में सफल हो सकते हैं। आज आप पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सकारात्मक होने की कोशिश भी कर सकते हैं। यात्रा के योग बहुत साफ है। आपको किस्मत से धन लाभ हो सकता है। प्रेम में भी सफलता मिलने से पुरानी हताशा दूर हो सकती है। नेगेटिव, अपने लिए फालतू झंझट मोल ना ले तो ही अच्छा है। कुछ कामों में रुकावटें भी जरूर आ सकती है। पहले से बनाए गए कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल भी होने के योग बन रहे हैं। यात्रा में खर्चा भी बढ़ सकता है। क्या करें, बनाना शेक पिए या किसी को पिलाएं। लव आज प्रेमी और जीवन साथी ही आपकी बड़ी ताकत होगा। उसकी चिंता करें। लव प्रपोजल ना भेजें, धैर्य रखें। करियर कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दें, जो समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है उसे इधर उधर ना गंवाएं। हेल्थ, भूख ना लगने और नींद की कमी से कमजोरी हो सकती है। कर्क
पर प्रोजेक्ट पैसों के निवेश के विचार आपके मन में बार बार आते रहेंगे। आप निवेश करेंगे या करने का मौका भी आपको मिल सकता है। अपने दायरे को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप पहले शायद कभी नहीं मिले थे। उन स्थानों की यात्रा होने के योग हैं जहां आप पहले शायद कभी नहीं गए थे। कुछ नया प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई नई विद्या सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। आज कुछ सुखद घटनाएं होने के भी योग बन रहे हैं। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। लोग आपकी तारीफ करें तो उसका असर अपने काम पर न पड़ने देने के लिए समय आपके अनुकूल कम ही होगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में रहेगा। आपको सेहत से जुड़ी सावधानियां रखनी चाहिए और कामकाज में भी पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। माता से मिलने वाले सुख में भी कमी आ सकती है। आप पैसों से जुड़े किसी समझौते एग्रीमेंट या दस्तावेज पर साइन ना करें तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया डिसीजन ना लें। अपनी गुप्त बातों को जाहिर ना होने दें। क्या करें? पूर्व दिशा में अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। लव पार्टनर आपके प्रति उग्र हो सकता है। वाणी पर संयम रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। खुद को नियंत्रण में रखें तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर कार्यस्थल और व्यापार में मदद मिल सकती है। मन खुश रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन सिर्फ मेहनत वाला रहेगा। पुरानी मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। हेल्थ दिन भर की दौड़ भाग से बदन और सिर दर्द हो सकता है। थकान भी हो सकती है। आराम करें। सिंह टॉर्चेट के रुके हुए काम पूरे होंगे। रोजमर्रा के कामकाज से आपको धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ भी अच्छी होगी। आपके सामने आने वाले लगभग हर विषय की तह तक आप बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको पैसों की स्थिति में सुधार करने के कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। आप जैसे एक अन्य महत्वपूर्ण मौके का इंतजार कर रहे हैं, वह भी जल्दी ही आपके सामने आ सकता है। दूसरे लोग आज आपके लिए बहुत मददगार और उपयोगी भी साबित सकते हैं। अपने मन की बात कहने में संकोच ना करें। प्रेमी या जीवन साथी भी आपसे नाराज चल रहा है तो आप उसे उसकी मनपसंद चीज गिफ्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने हाल ही के समय में जो भी मेहनत की है तो आपको उसका फल भी जल्दी ही मिल सकता है। न्यायालयीन कामकाज में जीत भी मिल सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। नेगेटिव आज आपको किसी ना किसी तरह की चिंता परेशान कर सकती है। सिंह राशि वाले लोग आज लापरवाह न रहे। दौड़ भाग रहेगी और तनाव भी हो सकता है। कुछ मामलों को लेकर अनजाना डर बना रह सकता है। कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। क्या करें? किसी महिला मित्र को मीठा खिलाएं। लव पार्टनर को आपसे फायदा हो सकता है। आज आपकी लव लाइफ संतुष्टि और तालमेल भरी हो सकती है। किसी पसंदीदा व्यक्ति से भी संपर्क हो सकता है। करियर रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। अधिकारी आज खुश रहेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आज इस राशि वालों को सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई में भी मन लगेगा। हेल्थ अपनी सेहत पर ध्यान दें। मौसमी बीमारियों के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी रखें। कन्या पॉजिटिव कार्य क्षेत्र के लिए आपको आज कोई योजना बनानी पड़ सकती है। काम काज ज्यादा रहेगा लेकिन मेहनत हो सकती है और काम भी हो जाएंगे। अपने नजदीकी लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करें। आज आपको एक नई शुरुआत का मौका भी आपको मिल सकता है। कुछ दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर ऑफिस में छोटा सा उलटफेर करने के बारे में मन बना सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आप सफल हो सकते हैं। पुराने समय में आपने किसी की जो मदद की होगी वह आज अचानक आपके काम आ सकती है। कई चीजें आपके फेवर में भी हो सकती है। जूनियर और सीनियर सब आपकी मदद करेंगे। पैसों के मामलों में दोस्तों और हितैषियों से मदद लेनी पड़ सकती है। संतान और परिवार की मदद मिल सकती है। नेगेटिव आज आपको अचानक नुकसान भी हो सकता है। गोचर कुंडली के अनुसार छठे भाव में चंद्रमा होने से थोड़ी परेशानियों वाला दिन हो सकता है। आप किसी विवाद में भी उलझ सकते हैं। आपको किसी ना किसी तरह का डर भी परेशान कर सकता है। कुछ काम सोचे हुए ढंग से होने के योग बन रहे हैं लेकिन थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं।
क्या करें, तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर सिर पर लगाएं। लव, आज आप प्रेम की तलाश में भावुक हो सकते हैं, पार्टनर को खुश करने के लिए खर्चा भी करेंगे, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर दें। करियर, निचले वर्ग के लोगों से मदद और फायदा मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगने से परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थी कड़ी मेहनत के बाद ही सफल हो पाएंगे। हेल्थ, छोटे रोगों को हल्के में ना लें, परेशानियां बढ़ सकती हैं। नाक कान में भी समस्या हो सकती है। तुला, पॉजिटिव सोचे हुए काम एक बार जब शुरू हो जाएंगे तो आपके संकोच भी दूर हो सकते हैं। जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम बढ़ेगा। लव लाइफ भी अच्छी होगी। भविष्य को लेकर मन में उठते सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जो भी नया विचार या काम आपने शुरू किया है, आज आप उस पर एक बार फिर विचार कर ले। हो सकता है आपकी योजना में कुछ छोटे मोटे बदलाव की जरूरत हो। कुछ नए अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। रोगों से छुटकारा पाने का दिन है। बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्रा हो सकती है। आपके कामों की तारीफ भी हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र भी बढ़ सकता है। नेगेटिव, आज आपको कोई काम जबरदस्ती करना पड़ सकता है। कामकाज में खास तौर से कागजी काम और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है। आज के काम कल पर टाल देना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कोई अप्रत्याशित घटना भी हो सकती है। खुद को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रखें। क्या करें, थोड़े से पानी में शक्कर मिलाकर पिएं। लव, जीवन साथी और पार्टनर के साथ आज ज्यादा समय बिता सकेंगे। साथ बैठकर पुरानी बातें कर सकते हैं और सपने भी देखेंगे। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्रा होने के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। नौकरी में तरक्की हो सकती है। पढ़ाई अच्छी होने का दिन है। मन लगेगा और आप खुश भी रहेंगे। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। हेल्थ, रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सेहत के मामले में भी दिन अच्छा है। वृश्चिक, पॉजिटिव, आपने जो किया है वह अचानक महत्वपूर्ण हो सकता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। रोमांस के कुछ सुखद अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। हर परिस्थिति में आपको दूसरे लोगों से काफी मदद मिल सकती है और कुल मिलाकर दिन चुनौतियों के बावजूद आसानी से बीत जाएगा। कोई ऐसा संदेश आपको मिल सकता है जो खुली नजर में धमकी या चुनौती जैसा हो। कोई छोटी अच्छी खबर भी मिल सकती है। मनोरंजन में समय बीतेगा। मन प्रसन्न हो सकता है। नौकरी में प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है। पैसों के काम से छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। नेगेटिव, बिजनेस में फायदे के आसार ज्यादा नहीं है। काम के बोझ से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। कामकाज को लेकर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा। आज किसी पारिवारिक मामले को लेकर जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने के भी योग बन रहे हैं। घरेलू मामलों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। क्या करें, तंबाकू या किसी भी तरह का पान मसाला खाने से बचें। लव, जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है। करियर, नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। टीचर या सीनियर से आपको मदद मिल सकती है। इंटरव्यू अच्छा रहेगा। पुराने दोस्त किसी जॉब के लिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहे। मौसमी बीमारियां हो सकती है। धनु, पॉजिटिव, घर, परिवार और ऑफिस में आप जिम्मेदारी वाले काम निपटा लेंगे। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। पैसों से जुड़ा कोई खास काम पूरा होने में समय तो लगेगा। परिवार में एकजुटता रखें। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। संतान से खुशी का समाचार मिल सकता है। नौकरी बदलने का मन भी बन सकता है। आज आपकी राशि का स्वामी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होना ये बता रहा है कि भाइयों और दोस्तों से आपको पूरी मदद मिल सकती है।
आपके बनाए हुए कुछ प्लान सफल भी हो सकते हैं। साथ काम करने वाले कुछ लोग भी महत्वपूर्ण कामों में सफल हो सकते हैं। नेगेटिव अपनी स्थिति सबके सामने स्पष्ट करने से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अलग चलने से आज सबको नुकसान हो सकता है। घर में कुछ अनपेक्षित विषय भी उठ सकते हैं। पारिवारिक मामले सुबह से शाम तक दिमाग में हावी रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के मामलों पर आज आप भाइयों के साथ किसी तरह की भस में ना पड़े। आपकी जिम्मेदारियों को लेकर आज कोई सवाल भी उठा सकता है। आज भस भी हो सकती है। कुछ लोग आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश भी करेंगे। क्या करें, किन्नरों को पैसा दान दें? लव, आज आप भस में ना पड़े। पार्टनर आपसे खुश रहेगा। इस राशि के लव कपल कहीं बाहर जा सकते हैं। प्रपोज करने के लिए समय अच्छा है। करियर, आज आपके कामकाज में या उनको करने के त्रिकोण में थोड़ा बदलाव आ सकता है। नौकरी और बिजनेस में मन कम ही लगेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। काम कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। हेल्थ, आज सेहत थोड़ी ठीक रहेगी। परेशानियां खत्म हो सकती है। मकर, कोई अच्छा मौका भी आपको मिल सकता है। आप ऐसा काम कर देंगे जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आज होने वाली हर सौदेबाजी, बातचीत और इंटरव्यू आखिरी में आपके फेवर में हो सकती है। धन लाभ हो सकता है। जटिल मामलों को सुलझाना आपके लिए आसान रहेगा। बस अपना रवैया लचीला और दिमाग खुला रखें। आपको किसी मोर्चे पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश कर सकता है तो आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। आप अपने मन पर विश्वास रखें। आपको फायदा जरूर मिल सकता है। किसी की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है और निवेश करने के भी योग बन रहे हैं। नए मकान खरीदने का मन बनेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। नेगेटिव, कुछ घटनाओं से आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। पैसों के मामलों में किसी तरह का संकोच भी कर सकते हैं। वाहन का उपयोग सावधानी से करें। कामों में देरी होने से परेशानी हो सकती है। क्या करें, फ्रूट जूस पिए? लव, आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से प्यार और सुख मिलने के योग बनेंगे। करियर, पैसों का ध्यान रखें। नौकरी वालों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आज बहुत सारा काम करना पड़ सकता है लेकिन कामकाज से घबराए नहीं। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। सेहत में थोड़ा सुधार भी होगा। घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर आपकी मांग और जरूरत होगी। अपने महत्व के काम पर ध्यान रखें। आपकी जो भी आशंका है वह या तो निराधार है या समय के साथ खुद ही सुलझ जाएगी। कुंभ राशि के लोगों को पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करना होगा। पिता से पूरी मदद भी मिल सकती है। आपके काम पूरे हो सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से पूरी मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में फायदा होने के योग है। पुराना पैसा कहीं अटका हुआ होगा तो वो भी आज मिल सकता है। कर्जे से निपटने के लिए सहयोग और रास्ता भी मिलेगा। नेगेटिव, मन में कुछ चिंताएं पिछले कुछ समय से बनी हुई है जो आज भी हो सकती है। आप जोश में आकर जरूरत से कुछ ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। सावधान रहे, आज आपको कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो इसके प्ले नहीं हुए होंगे। क्या करें, आज किसी से भी गिफ्ट ना लें। लव, पार्टनर के साथ समझदारी और उदारता से पेश आए। वाद विवाद से बचें। संबंधों में खटास आ सकती है। करियर, बिजनेस ठीक चलेगा। पुराना पैसा वापस मिल सकता है। गंभीर विषय पढ़ें। नया विषय चुनने को लेकर कंफ्यूजन भी हो सकता है। हेल्थ, पुराने रोग खत्म होंगे। कोई छिटपुट परेशानी हो सकती है। मीन, कोई बड़ा बदलाव भी आपके जीवन में हो सकता है। सोच समझ कर व्यवहार करना आपके लिए ज्यादा कारगर हो सकता है। आपके साथ होने वाली कुछ घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो सकता है। धार्मिक कामकाज में भी खर्चा हो सकता है और समय भी लगेगा। नजदीकी लोगों से आपको मदद मिल सकती है। लव लाइफ के मामलों में सफलता मिलने के योग है। नेगेटिव, दिखावा करने से बचे। किसी बात, योजना या काम के लिए सहमत होने के लिए आप पर आसपास का ही कोई व्यक्ति दबाव बना सकता है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं।
फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। कामकाज में एकाग्रता ना होने से परेशान रहेंगे, झुंझलाहट होगी। अपने ही बनाए प्लान में कुछ ना कुछ कमियां आपको दिख सकती है। आज आपको संतान से जुड़ी कुछ बातें भी परेशान कर सकती है। जोखिम लेने की संभावना है, लेकिन किसी काम में अति ना करें। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, क्या ना करें चाय ना पिए। लवलव पार्टनर से कुछ मामलों में फंस हो सकती है। विवाद में पड़ने से बचे। करियर दोहरे विचारों को लेकर काम में मन नहीं लगेगा। खास मामलों में फैसले करना कठिन होगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। कोई ना कोई चिंता भी रहेगी। हेल्थ पेट के रोग और मानसिक तनाव भी रहेंगे।